What's up guys, welcome back to my YouTube channel. In this channel I teach how to make cookies. Wait. In this channel I teach how to make donuts. Omae wa mou shinde iru. In this channel I share all tips, tricks and tutorials about photography in Hindi. So if you are new to this channel, then please subscribe to my channel and turn on the post notifications. So today's topic is aperture. So guys, aaj ka video thoda lamba hone wala hai, lekin iske baad I promise aapko aperture ke upar कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. लोगो टाइम. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एपरेचर जो है, एपरेचर कैमरा में नहीं होता, एपरेचर लेंस में होता है. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, एपरेचर कैमरा में नहीं होता, एपरेचर लेंस में होता है. सो गाइस, एपरेचर क्या होता है, एपरेचर का मतलब क्या होता है? तो गाइस, एपरेचर का मतलब होता है एक ओपनिंग या फिर एक गैप. तो गाइस, आपको अच्छे तरीके से एपरेचर समझाने के लिए मेरे पास एक लेंस है. तो आपको एक चीज दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे देखो, ये जब मैं घुमा रहा हूँ तो ये छोटा या बड़ा हो रहा है. तो एपरेचर वो चीज होती है जिसके थ्रू लाइट पास होती है और लाइट पास होके कैमरे के सेंसर तक पहुंचती है, उसे हम एपरेचर कहते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि एपरेचर तो ठीक है, लेकिन एपरेचर को एडजस्ट कैसे करते हैं? तो गाइस, आपका जो कैमरे का स्क्रीन होगा उसपे एक एफ लिखा होगा एंड बाजू में नंबर लिखे होंगे, तो उसको एडजस्ट करने से एपरेचर एडजस्ट होता है. तो गाइस, याद रखना एपरेचर को हम एफ स्टॉप से डिनोट करते हैं. तो गाइस, ये था एपरेचर होता क्या है. अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एपरेचर कैसे काम करता है और एक पिक्चर पे एपरेचर का क्या असर होता है. एपरेचर का एक रूल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना, लेकिन एक बार आप समझ गए तो बहुत इजी हो जाएगा. और वो रूल ये है कि एपरेचर्स के नंबर सिंपल उल्टा काम करते हैं. एपरेचर्स के जो नंबर होता है वो उल्टा काम करते हैं, मतलब बिगर द नंबर स्मॉलर द एपरेचर साइज. मतलब एपरेचर का जो नंबर है, मतलब जो एफ स्टॉप है, वो अगर बड़ा है, जैसे कि 22 या फिर 16 या फिर 8, अगर बड़ा है एपरेचर का नंबर, तो एपरेचर का जो ओपनिंग है उसका साइज छोटा होगा. तो गाइस, सिंपल सी बात है, अगर एपरेचर का ओपनिंग छोटा है तो उसमें से लाइट भी कम ही पास होंगे ना भाई. तो गाइस, ये था इन डिटेल कि एपरेचर कैसे काम करता है. अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि एपरेचर का आपके पिक्चर पे कैसे असर होता है. तो गाइस, एपरेचर हमारे कैमरा में दो चीजों को कंट्रोल करता है, एक होता है लाइट और दूसरा होता है डेप्थ ऑफ फील्ड. तो गाइस, जो पहला चीज है वो है लाइट. तो गाइस, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो नेचुरल लेंसेस है वो हमारे आईज होते हैं. तो हमारे जो आईज है उसके अंदर प्यूपिल होता है, तो प्यूपिल एक्चुअली एपरेचर जैसा काम करता है. ठीक है, तो गाइस, हमारा जो आई का प्यूपिल होता है वो सेम टू सेम एपरेचर जैसा काम करता है. तो गाइस, हम जब भी लाइट के एकदम पास आ जाते हैं तो हमारे आई का जो प्यूपिल है वो एकदम छोटा हो जाता है. एंड ठीक उसी तरह जब हम लाइट से दूर जाते हैं या फिर हमारे सराउंडिंग में अंधेरा होता है तो लाइट का प्यूपिल बड़ा होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम लाइट के सामने होते हैं तो हमारा आई का जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है, ताकि जितना अमाउंट ऑफ लाइट हमको चाहिए है उतना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे अंदर आ सके, और जितना लाइट एक्सेस लाइट है वो हमारे अंदर ना जा सके. तो ठीक उसी तरह जब हमारे सराउंडिंग में अंधेरा होता है तब प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ताकि जितना ज़्यादा लाइट हो सके उतना ज़्यादा लाइट वो कैप्चर कर सके, ताकि हमारे दिमाग तक, मतलब हमारे जो मेजर सेंसर है वहाँ तक ज़्यादा लाइट पहुँच सके, ताकि हमको चीजें नॉर्मल दिखाई दे. दोस्तों, एपरेचर भी सेम इसी तरह काम करता है. जब लाइट ज्यादा होता है तो उसे ऑटोमेटिक या फिर मैनुअली एपरेचर को कम किया जाता है, जब लाइट कम होता है तो ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली एपरेचर को बढ़ाया जाता है, ताकि हमें एक अच्छी पिक्चर मिल सके. गाइज, मार्केट में जो इतने सारे लेंसेस अवेलेबल है हमारे खरीदने के लिए, उनका जो प्राइसेस होता है वो भी एपरेचर के वजह से ही कम ज़्यादा होता है. मतलब सपोज अगर किसी लेंस का एपरेचर 1.8 है, मतलब वो लेंस ज़्यादा वाइड एपरेचर तक ओपन रह सकता है, तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा उन लेंसेस के कंपैरिजन में जिनका एपरेचर वैल्यू 3.5 या 2.8 या 4.5 या 5.6 या उससे भी कम है. तो गाइस, एक लेंस का जो प्राइस होता है ये एपरेचर से ही डिसाइड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम.
तो गाइस अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि एपर्चर डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे कंट्रोल करता है। तो गाइस डेप्थ ऑफ फील्ड को हम चालू भाषा में बुके या फिर बैकग्राउंड ब्लर, पीछे जो ब्लर दिख रहा है वो वाला चीज, या ऐसा कुछ बोल के डिफाइन करते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, एक है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और एक होता है लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड। दोनों ही पिक्चर सेम कैमरे से खींची गई हैं एंड दोनों के सब्जेक्ट सेम है। फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि पूरे बैकग्राउंड में जो भी है वो ब्लर है, हमें सिर्फ डिटेल्स ही दिख रही है, इसे हम बोलते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में जितना एफ स्टॉप बड़ा होगा उतना ही बैकग्राउंड ब्लर होगा। अब सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं कि भाई साहब पूरा के पूरा पिक्चर ही फोकस में है, मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ पूरा बैकग्राउंड भी डिटेल में है, इसे हम कहते हैं लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड। लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड में एफ स्टॉप छोटा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एफ स्टॉप 22 तो बड़ा होना चाहिए, एफ स्टॉप 1.8 तो छोटा होना चाहिए या 1.4 तो छोटा होना चाहिए, तो ये बंदा उल्टा क्यों बोल रहा है, राइट? तो गाइस ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि एपरेचर वैल्यू के हिसाब से बाप बेटा होता है और बेटा बाप, मतलब छोटा एफ स्टॉप एपरेचर मतलब बड़ा ओपनिंग और बड़ा एफ स्टॉप एपरेचर मतलब छोटा ओपनिंग। सो गाइस मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स पेश कर रहा हूँ ये स्क्रीन पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है एंड लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है दोनों एग्जांपल के साथ। सो चेक आउट द पिक्चर्स। So, ये सारे पिक्चर्स देखने के बाद आपको एक चीज तो डेफिनेटली पता चल चुका होगा कि हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पोर्ट्रेट्स पिक्चर क्लिक करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, ताकि हमको क्रिस्टल शार्प ऑब्जेक्ट के साथ एक स्मूथ सा प्यारा सा बैकग्राउंड ब्लर भी मिल सके। और लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड हम यूज करते हैं लैंडस्केप फोटोज के लिए, ताकि हमारा हर एक कॉर्नर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, हर एक कॉर्नर फोकस में हो और हमें एक बहुत ही प्यारा सा कॉम्पोजिशन और एक आई कैचिंग लैंडस्केप मिल सके। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा अब तक कि एपरेचर क्या होता है, एपरेचर किसे बोलते हैं, एक इमेज पे एपरेचर का क्या असर होता है। लेकिन गाइस एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सिर्फ एपरेचर से ही एक अच्छा इमेज नहीं बनता है, एक अच्छे पिक्चर के लिए शटर स्पीड भी एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। शटर स्पीड क्या होता है तो गाइस शटर स्पीड के बारे में जानने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखें, बिकॉज मैं अपने अगले वीडियो में इन डेप्थ बताने वाला हूँ कि शटर स्पीड क्या होता है, शटर स्पीड क्या फंक्शन करता है, शटर स्पीड का हमारे इमेज पे किस किस तरह से असर होता है। तो गाइस जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टू मेक श्योर ये सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए, एकदम हथौरा मार के कुछ भी करके सब्सक्राइब बटन तोड़ दीजिए, उसके अंदर से एक छोटा सा घंटा निकलेगा उसे भी तोड़ डालिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँ सबसे पहले आपको मिले और आप उसे देख सकें। तो गाइस ये था मेरा सेकंड एपिसोड एंड अगर आपने मेरा पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आपको एक आई का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कीजिए एंड उसे क्लिक करके आप पहले वीडियो पर जाइए, उसके बारे में देखिए, उसको जानिए, बिकॉज आधा अधूरा नॉलेज खतरनाक होता है गाइस, अगर सीख रहे हो तो पूरा सीखो। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो। अगर आपको मुझे पर्सनली कुछ पूछना है या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड देन DM मी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ये है गाइस, तो डेफिनेटली जाके फॉलो कीजिए, चेकआउट कीजिए मेरे पोस्ट एंड डेफिनेटली DM कीजिए आपके प्रॉब्लम के बारे में, मैं आपको पर्सनली उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। सो बाय गाइस, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।